हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोगों का इनइक्वालिटी का पार्ट 3 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज थोड़े टिपिकल डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो आप लोगों को अच्छे भी लगेंगे और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो अक्सर ये सब एग्ज़ाम जो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल के रहता है, जैसे कि SBI के PO, CGL में, ये सब में आपको ये टाइप के क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो प्लीज़ कंसंट्रेट करिएगा। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाया आज के लिए, बस मैंने कुछ सिंपल से क्वेश्चन उठाया है। देखते हैं, क्योंकि इसमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो यह मुझे एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा इसीलिए, ठीक है ना। तो प्लीज़ देखिए, पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि ये इन लोगों में कैसे ये ग्रेटर देन इक्वल है। यहाँ पे आप लोग ये मत सोचिए, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप लोगों का लॉजिक चेक किया जाता है, ना कि आप लोग इसमें मैथ्स लगा रहे हैं। समझ में आया? मतलब आप लोगों को देखने से समझ में आ जाएगा, आप लोगों को लग सकता है। मतलब यहाँ पे आप लोग रिलेशन मत ढूंढने का कोशिश करिए, यार ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसा नहीं होता है। बस इसका टॉपिक और इसका लॉजिक इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया? तो अभी हम लोग बात करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि आप लोगों को चार्ट थोड़ा माइंड में सेट करके रखना है, जो चार्ट मैंने आप लोगों को बताया था। तो हाँ, बाहर में थोड़े साउंड्स हो रहा है, तो प्लीज़ इसको कंसिडर कर लीजिएगा। यही तो मेरी टेबल थी, जो सादे घर का टेंट था वो इतना ही था, इससे ज़्यादा तो कुछ था नहीं, तो बस इतना ही रहने देते हैं। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो है ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में ही, ठीक है ना। तभी देखते हैं, देखिए इसमें क्या है। ए से हम लोग सी की ओर जाएंगे, सी की ओर, छोटा वाला सी है ये, ठीक है। और ये भी छोटा वाला ही सी है। समझ में? आप लोगों के हेल्प के लिए मैं छोटा वाला सी को ऐसे कर देती हूँ, तब आप लोगों को शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए, तो हम लोग देखते हैं, ए से हम लोग छोटा वाला सी की ओर जाएंगे। हम लोग देखते हैं इधर में कौन कौन दूसरा फैमिली से है। देखिए, इसके बाद ये इसी फैमिली से है, ये ग्रेटर इक्वल इस फैमिली से है, ये भी इस फैमिली से है, ये ग्रेटर इस फैमिली से है, ग्रेटर इक्वल इस फैमिली से है। तो हम लोग को ग्रेटर इक्वल तक जाने का ज़रूरत है नहीं, यहाँ तक ही जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हो इस वाले फैमिली में बड़ा इंसान कौन है, ये ग्रेटर है ना, तो फिर ये वाला कंडीशन फॉलो हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं, बी से सी की ओर जाएंगे। बी से छोटा वाला सी की ओर में कौन कौन आता है। बी से सी की ओर में जाते हुए देखिए, ये वाला पहले आता है, फिर दूसरा जो बी से यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी यही आता है। इसका मतलब इस फैमिली में सबसे बड़ा इंसान कौन है, ये है। पर हम लोग में क्या दिख रहा है, ये वाला कंडीशन तो दिख नहीं रहा है ना, तो ये नहीं फॉलो हो पाएगा। अभी देखिए इसमें क्या है, इसमें भी हम लोगों को पता है कि बी से सी जाने के लिए हम लोगों के पास बस यही एक चॉइस बचती है, राइट। पर यहाँ पे ये तो ग्रेटर इक्वल है, पर ग्रेटर इक्वल भी नहीं सच होगा। आप लोग अभी हम लोग क्या सीखेंगे, आइदर और का कंडीशंस। यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ, ठीक है ना। आइदर और कब होता है, आइदर और तब होता है जबकि आपका जो फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है सेम रहेगा, और दोनों कंडीशन में, ठीक है ना, और दोनों ही नहीं फॉलो होगा। एट द सेम टाइम आपको तीनों सिंबल एक ही साथ देखने मिल जाएंगे। समझ में आया? तब हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए तभी हम लोगों के पास आइदर और हो जाता है। देखिए ये भी नहीं फॉलो हो रहा है, ये भी नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग को ये वाला सिंबल भी दिख गया, ये भी दिख गया, इक्वल भी दिख गया, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, ये आइदर और हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, वन एंड आइदर टू और थ्री, राइट, यही हो जाएगा आंसर। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या है, इसमें देखिए 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 इज़ ग्रेटर देन 46, ऐसे है, ठीक है ना। तो आप लोग ये देखिए, थोड़ा ट्राई करिए, मैं आप लोगों को कुछ
कुछ टाइम देती हूँ, आप लोग इसको ट्राई करिए, अगर नहीं होता है तो मैं हूँ। आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, पर देखते हैं, ठीक है ना, लेट्स डू इट। इसमें क्या है, देखिए मैंने आप लोगों को क्या बोला था, रीजनिंग में लॉजिक इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि उसका नंबर। यहाँ पे हम लोग मैथ्स नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बस लॉजिक लगा रहे हैं, राइट। तो इधर में देखिए क्या है, इधर में है नंबर, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि 21 तो 35 से छोटा है दीदी, तो आप लोग क्यों लगा रहे हो, पर ये ऐसा है नहीं, कंडीशंस मेरे लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरा लॉजिक क्या बोल रहा है, लॉजिक यही बोल रहा है कि हम लोग साइन से देखेंगे, ठीक है ना। अगर बड़ा मुंह की तरफ जो भी रखा हुआ रहेगा, अगर मेरा बड़ा मुंह की तरफ यहाँ पे पेन लिखा हुआ रहेगा तो पेन है बड़ा, और इधर में कॉपी लिखा हुआ रहेगा तो कॉपी है छोटा। इसमें भले ही कॉपी में बहुत ज़्यादा पेज लगते हों या फिर बहुत पैसे दे के ख़रीदना पड़ता हो, पर फिर भी हाँ, मैंने एक ही दिन पहले दिन में ही बोला था कि बड़ा मुँह की ओर जो भी रहेगा वही बड़ा इंसान होगा, जो खुला मुँह की तरफ रहेगा वही बड़ा इंसान होगा, जो बंद मुँह की तरफ रहेगा वो छोटा इंसान होगा। समझ में आया? तो बस यही लॉजिक है, इसी को फॉलो करके हम लोग चलेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है इस वाले में। देखिए 21 से 46 जाने के लिए पहले तो हम लोगों को यहाँ इसका सामना करना पड़ रहा है, ये एक फैमिली से है ये, उसके बाद 35 से 46 में देखिए ये वाला साइन आ रहा है, मतलब ये दोनों एक ही फैमिली से है, और इन तीनों में बड़ा कौन, ये वाला, इसका मतलब ये वाला फॉलो हो जाएगा। अभी दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला में देखिए क्या है, 46 इज़ लेस देन 35, इसको हम लोग लिखते हैं तो फिर आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। देखिए 46 इज़ लेस देन 35 है, और 35 से 4 को जाने के लिए यहाँ पे जाना पड़ रहा है, मतलब देखिए 46 लेस देन 35 है, ठीक है, ये इस फैमिली से हो गया। अभी ग्रेटर देन इक्वल है तो ये इस फैमिली से हो गया। अभी इन दोनों में कोई रिलेशन होगा, चाचा पापा में अभी रिलेशन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये दोनों का फैमिली अलग हो गई है, इसका मतलब इसमें रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या होगा, ओनली वन फॉलोअर्स, राइट। अभी तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला देखिए, तीसरा वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए अभी हम लोग क्या, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, ए से सी सी तक जाएंगे, ठीक है। ए से सी सी जाने के लिए अभी देखिए, इसमें पहला जो इंसान है वो इस फैमिली से है, दूसरा जो साइन है ये इस फैमिली से, दोनों में रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट वाला देखिए, ये तो हो गया, फिर वापस देखिए इसमें ये बीबी से ए जाने के लिए ये फैमिली का है, अब ये ग्रेटर देन इस फैमिली से है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नन फॉलो होगा, इसका मतलब आंसर क्या हो गया, नन फॉलोज, राइट। तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। अभी लास्ट है, देखिए इसमें भी सेम लॉजिक। देखिए यहाँ पे हम लोग 6PQ से 3PQ तक जाएंगे। अभी 6PQ से 3PQ तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 6PQ है, इसके तरफ छोटा मुंह है, 4CD है, इसके तरफ बड़ा मुंह है, 2AB है, फिर 3PQ है। अभी 6PQ से 3PQ तक जाने के लिए कोई रिलेशन बच रहा है, टेबल से देखते हैं, राइट, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। दिख रहा है, देखिए मैं यहाँ पे ही टेबल वापस बना देती हूँ। देखिए आई थिंक इट्स विजिबल नाउ, ओके। इसमें जो साइन है ये इस फैमिली से है, ये जो साइन है इस फैमिली से, यहीं पे पता चल जा रहा है कि ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये वाला तो फॉलो नहीं होगा, ठीक है। फिर भी हम लोग 2AB से चेक कर लेते हैं 6PQ तरफ। देखिए इस साइड में ये इस फैमिली से है, फिर 6PQ तरफ, मतलब ये दोनों का भी, दोनों अलग अलग फैमिली से आ जा रहे हैं, ये भी नहीं फॉलो हो पाएगा, इसका मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नॉन फॉलोस।
आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग थोड़ा, अगर आप लोग चाहो तो और थोड़ा इनइक्वालिटी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूँगी, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट है जिसने बोली थी कि और थोड़ा इनइक्वालिटी प्रैक्टिस करना है उसको, तो अगर आप लोग चाहो तो मैं करा दूँगी। आई थिंक आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, मैंने एफर्ट तो डाली है कि आप लोगों को समझा पाऊँ, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को डेफिनेटली वापस समझा दूँगी। और आज का क्लास बस इतना ही, इस क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे साथ ऐसे ही हमेशा हर रोज़ क्लास में जुड़े रहिएगा। थैंक यू।